हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसा डिज़ाइन लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत है, जो आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको आज इनका नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे 5 पीस हैं जो मैंने 4-4 इंच के लिए हैं। ये भी मेरे 4 पीस हैं जो 4-4 इंच के हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक पीस को निकाल के रखते हैं साइड में, क्योंकि बाद में हम इसे थोड़ा कट करके छोटा करेंगे। तो ये हमने ले लिए 4 पीस, तो हम इसको ऐसे रख लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे 4 पीस आ गए। अब हम इसके ऊपर ही ये रेड पीस रखेंगे। तो ये हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इनके पीछे एक लाइन लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में दिखाया हुआ है। तो हम एक ले लिया, हमने चौक ले लिया, स्केल ले लिया, तो हम ऐसे लाइन लगा देंगे। और ये हमारा अलग से लाइन जिस पे हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लाइन लगाएंगे। तो मैं बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड में सिलना है, ताकि हम बीच में से कट कर सकें। तो हम इन चारों पीसों को सिल लेते हैं ऐसे ही, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस सिल गए हैं, मैंने सब में सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। जो हमने बीच में लाइन लगाई थी फ्रेंड्स, उसी लाइन पे कट कीजिएगा। तो ये देखिए, ये कट हो गया है। अब हमारे ये डबल शेड के पीस हो गए हैं। अभी हमारा डबल शेड का पीस हो गया है, तो हम इसको नाप लेते हैं। तो ये हमारा 3.5 इंच का बैठ गया फ्रेंड्स, 3.5 इंच का हो गया है फ्रेंड्स। तो हम ये सारे पीस 3.5 इंच के नाप लेते हैं। तो मैं इन सारे पीस को कट कर लेती हूँ, फिर इनको 3.5 नाप लेती हूँ, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो हमारे 3.5 इंच का हमें पीस तैयार चाहिएगा फ्रेंड्स। तो हम ये जो पीस हैं, ये भी मैं कट कर लेती हूँ, और जो मेरा ये लास्ट पीस बचा हुआ है, इसको भी हम 3.5 के हिसाब से 3.5 कर लेंगे। तो हमारे 3.5 पीस कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, और ये 3.5 इंच के बिल्कुल नाप से हैं। तो ये देखिए, 3.5 और 3.5, तो ऐसे ही हमने ये सारे पीस कट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इनका डिज़ाइन सेट करेंगे। तो मैं आपको पहले डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी पीस सिलेंगे। तो हम इसको पलटेंगे, यहाँ से सिल देंगे और पलट देंगे, और इसको भी हम यहाँ से पलट के यहाँ से सिल देंगे और पलट देंगे। तो ऐसे हमारी ये लाइन कंप्लीट होगी, ऐसे ही हमें बारी बारी ये सिलने हैं। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये तीनों लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस पे रखेंगे, और यहाँ हम पहले पिनअप कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये मेरे पास पिनअप है, तो मैं इसको पहले पिनअप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये पिन लगा ली है, ये देखिए, और बिल्कुल लाइन पे लगाई है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से इसको सिल देंगे। और जब हम इसको यहाँ से सिल देंगे, तब ये, और फिर हम इसको भी हम ऐसे ही सिलेंगे। तो हम इस पे भी पिन लगा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर हम इधर से भी सिल देंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सुंदर सा डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सिंपल का सिंपल और डिज़ाइन का डिज़ाइन। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।